जो लोग प्राइवेट कंपनी या सरकारी ऑफिस में नौकरी करते हैं या जो लोग कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें रविवार का इंतजार होता है क्योंकि रविवार को उनकी छुट्टी होती है। संडे की छुट्टी का मजा लेने के लिए घूमने फिरने निकल जाते हैं या अपने किसी खास से मिलने चले जाते हैं। हालांकि आजकल तो कई कंपनीज में सैटरडे और संडे दो दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संडे की छुट्टी कैसे शुरू हुई? आइए जानते हैं कि रविवार को ही छुट्टी क्यों होती है, संडे की छुट्टी कब से स्टार्ट हुई। इस टॉपिक पर कई लोगों के अलग अलग जवाब है, तो चलिए जानते हैं किसका क्या कहना है। कहते हैं कि भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में एक अंग्रेज गवर्नर जनरल ने शुरू करवाई थी। बाद में 1844 में स्कूल और कॉलेज में भी रविवार की छुट्टी रखी जाने लगी। रविवार की छुट्टी की कहानी मजदूरों से भी जुड़ी हुई है। साल 1857 में मजदूरों के लीडर मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक में कहा कि मजदूरों को वीकली छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी थकान मिटा सके या अपने लिए भी वक्त निकाल सके। माना जाता है कि उनकी कोशिश के चलते 10 जून 1890 को ब्रिटिश शासन ने सबके लिए रविवार को छुट्टी का ऐलान किया था। और ये भी कहते हैं कि जिस दिन ईसा मसीह ने अपना शरीर त्यागा उस दिन को लोग गुड फ्राइडे कहते हैं और रविवार के दिन उन्हें जीवित देखा गया। जीवित देखे जाने की इस घटना को ईस्टर संडे के रूप में माना जाता है। तभी से रविवार के दिन चर्च में प्रार्थना करते हैं। इसी दिन के कारण अंग्रेजों ने भारत में भी रविवार की छुट्टी की घोषणा कर दी थी। ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर ने दुनिया को 6 दिन में बनाया और रविवार को आराम किया। यही कारण था कि ईसाई मुल्कों के साथ ही जहाँ जहाँ उन्होंने राज किया वहाँ पर उन्होंने रविवार को छुट्टी का आदेश दिया था। गुलामी के मुक्त होने के बाद अधिकतर देशों ने इसे बदलने की कोशिश नहीं की थी। ISO के अनुसार संडे का दिन वीक का आखिरी दिन होता है और इसी दिन छुट्टी होती है। इसको साल 1986 में मान्यता मिली है। संडे को वीकली हॉलीडे के रूप में मान्यता भारत सरकार द्वारा नहीं दी गई बल्कि यह अंग्रेजों के समय से ही चलता आ रहा है। ज्योतिष के अनुसार रविवार की प्रकृति ध्रुव है। रविवार को सूरज अपनी सबसे अधिक ऊर्जा लिए होता है। सूरज प्रकाश का सबसे बड़ा सोर्स है और प्रकाश को सनातन धर्म में पॉजिटिविटी का प्रतीक माना गया है। इस प्रकाश में सभी तरह के रोग मिटाने की पावर होती है। डेली सुबह सूरज की रोशनी में कुछ देर खड़े रहने से सभी तरह के पोषक तत्व और विटामिन की कमी पूरी होती है। लेकिन अगर मुस्लिम देश की बात करें, कहते हैं कि भारत में मुगलों के शासन में शुक्रवार को छुट्टी रहती थी क्योंकि इस्लामिक में शुक्रवार में जुम्मा का दिन नमाज के लिए जरूरी दिन होता था। किसी भी मुस्लिम देश में रविवार की नहीं बल्कि शुक्रवार की छुट्टी होती है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।